26 जनवरी को हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक नया मूवी रिलीज होना है, नाम है दूल्हे राजा। अभी शादी के सीजन है, शादी सीजन में कहा होते दहेज लेना देना तो होते थे, अब कहानी आज प्रीमियर रही से तमाम मन शादी कमी दिया खड़े। भैया आप मतलब पिक्चर कैसे लगे? देखिए राज वर्मा की 12 साल बाद वापसी हुई है और 12 साल में आदमी का चेहरा, आदमी की दुनिया सब कुछ बदल जाती है। आज से 12 साल पहले मैंने उनकी तरी हरी नाना देखा था, उसके बाद मुझे संशय और क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि पता नहीं वो जो है 12 साल पुराना जो चेहरा था क्या वही तेवर वही अंदाज राज वर्मा के दिखेंगे। लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मैंने उनको पर्दे पर देखा तो जो आज 12 साल पहले थे आज भी वही हैं। और सवाल ये केवल चेहरे का नहीं है, सवाल एक्टिंग का है, सवाल डायरेक्शन का है, सवाल राइटिंग का है, और तीनों पक्ष में जो है राज वर्मा ने न्याय किया। और जहाँ तक कि काजल सोनबेर की ये फिल्म चौथी फिल्म थी, काफ़ी अच्छी लगी हैं वो। और बहुत समय बाद मनमोहन ठाकुर जो है खलनायकी में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक बड़ा नाम रहे हैं वो आए हैं। और मैं अगर कहीं कॉमेडियन में अगर कहीं वहाँ पे हास्य पक्ष की बात करूँ मैं तो संजय महानंद, शैलेंद्र भट्ट और हेमलाल बहुत उन लोगों ने अच्छा काम किया। और गीत संगीत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, सुनील सोनी का की गायकी और संगीत कमाल का है। और एक चीज़ और है कि लगता था कि हम बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों से पिछड़ते हैं, तकनीकी रूप से भी ये फिल्म जो है काफ़ी बेहतर साबित हुई है। आपको स्टोरी कैसी लगी फिल्म की? जहाँ तक के देखिए स्टोरी राज वर्मा की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को का जो दर्शक चाहता है उसके हिसाब से उन्होंने एक पारिवारिक फिल्म एक कहानी गढ़ी, उस पर हास्य का जो है लेप लगाया। और संगीत पक्ष भी बहुत छत्तीसगढ़ी सिनेमा में संगीत पक्ष का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको भी उन्होंने कनेक्ट किया। तो अपने तरफ से तो उन्होंने संपूर्ण प्रयास किया, जो एक रिक्वायरमेंट होती है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दर्शकों का उन्होंने वो पूरी उसकी भरपाई तो की है फिल्म में, बाकी जो है फैसला हमारे दर्शकों के हाथ में होता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके और पूरी तैयारी के साथ बनाई हुई फिल्म है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये मूवी कैसे आगे जाएगी? हमारे जहाँ तक छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात है तो एक बात ये कही जाती थी, पहले हम पर आरोप लगता था कि हम बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की नकल करते हैं, साउथ का उठा लेते हैं। लेकिन आज एक नई चीज़ जो देखने में जो आ रही है वो है कि हमारे सिनेमा में एक्सपेरिमेंट होने लगा है। हम हॉरर में भी बना रहे हैं, हम पारिवारिक फिल्म भी बना रहे हैं, कॉमेडी भी बना रहे हैं, फार्मूला भी बना रहे हैं, सब तरफ हम जो है पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा का जो है फ्यूचर, भविष्य बहुत बेहतर है। नमस्कार जय जवाहर संगवारी, मैं आकाश सोनी। आज मैं फिल्म देख के निकले हूँ दूल्हे राजा, आज प्रीमियर शो रही से, और देख के मतलब तारीफ का करो, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक पैकेज फिल्म लगा थे। छत्तीसगढ़ में बहुत दिन बाद एक ऐसी फिल्म आए हैं जिला 100% दर्शकला देखना चाहिए, काबर की जो फिल्म है ये पूरा फुल टू एंटरटेनमेंट है, एक अच्छा मैसेज भी है और बहुत अच्छा अच्छा आर्टिस्ट मन काम करे है और बहुत अच्छा अच्छा आर्टिस्ट मन काम करे तो मैं बिल्कुल दर्शक मन से बोलना चाहूँ ये फिल्म मिस आप मन बिल्कुल मत करूँ, काबर की अगर ये फिल्म अगर मिस कर दूँ तो छत्तीसगढ़ मैं ऐसा फिल्म काबर की बहुत कम बनते। तो ये फिल्म मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँ, आग्रह करूँ आप मन से कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छा फिल्म है तो आप पल्ला देखना चाहिए और सराहना। एमपी राजा के रैप सॉन्ग कैसे लगे? ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, भैया हमेशा बहुत अच्छा गाते तो हमेशा से मोर फेवरेट भी रही से, तो कम्प्लीटली जो एपी भैया के जो गाना भी डले वो एक जो पूरा फिल्म है बोला वो शीर्षक है, मैं बेसिकली बोलना चाहूँ कि वो शीर्षक है वो गाना। अब पिक्चर तो सब जन देखे, सब अपन अपन अलग अलग बात कहते हैं, कौन वाला एक्टिंग अच्छा लगा था, एंटरटेनमेंट अच्छा लगा था, आप मतलब सबसे अच्छा पिक्चर में? मैं तो ये कहूँ भाई ये जो पिक्चर है छत्तीसगढ़ी सिनेमा टोटल 24 कैरेट के है, गोल्ड है पिक्चर, सब कुछ समा है में, कॉमेडी है, गाना है, एक्शन है, सब चीज़ है में, जो देखिए पिक्चर। और छत्तीसगढ़ वाले में का उद्देश्य है? बिल्कुल मैं तो बोलूं भाई वन आए काबर देखो शुरुआती तौर पे पहला सीन से जो छत्तीसगढ़ी महक आते हैं ना वो आखिरी तक है हमें, ये सबसे अच्छा चीज़ है। अच्छा, वो जो गाना है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, जो दहेज प्रथा के बारे में प्रताड़ना होते थे सब? बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबसे बड़े जो हम कोई फिल्म के मैसेज होते ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट के साथ इतना जबरदस्त मैसेज दहेज जो आजकल बिल्कुल हावी है, जो दहेज वाला जो मामला है वो कहीं कहीं इफेक्ट करते हैं गाँव देहात में और हर जगह शहर का, बड़े बड़े शहर में भी मामला रहते कि फिल्म मनोरंजन बहुत शानदार मैसेज भी दे। एक्टिंग मूवी की एक्टिंग कैसी लगी जो एंटरटेनमेंट मूवी में था और एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे एक ठोक उद्देश्य भी देवा थी, ते कैसे लगी? मैम ये पूरी मतलब जैसे एक सोशल मूवी बनी, फैमिली ड्रामा तो है ही,
और इसमें जो आप देख रहे हैं जो अभिनेताओं ने काम किया, अभिनेत्री ने काम किया, बहुत ही बेहतरीन किया है। राज वर्मा, काजल सोनबेर, प्रदीप शर्मा जी, मनमोहन ठाकुर, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये अभी जो छत्तीसगढ़ी फिल्में आ रही थी, जैसे पारिवारिक फिल्में अभी नहीं आ रही थी, लव स्टोरी ज़्यादा आ रही थी, तो ये बहुत दिन का एक पारिवारिक ड्रामा आया है और पूरा बंधा हुआ है, और एक दहेज प्रथा के ऊपर जो संदेश दिया है वो भी बहुत बढ़िया बन पड़ा है। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहेंगे मूवी के बारे में? मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म आपके लिए, दर्शकों के लिए बनाई गई है और प्यार से बनाई गई है, और इसमें एक संदेश है, और इसके गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं यूट्यूब में। मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है कि ये फिल्म ज़रूर देखें, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का मान बढ़ाएं और सम्मान दें। कलाकार ने बेस्ट किया है, भले एक सीन में भी किसी की एंट्री है तो ऐसा देख के ध्यान में रख के बनाया है कि उस फिल्म में कलाकार ही हो। फिल्म का म्यूज़िक बहुत कमाल का है, समय समय पर फिल्म कहीं 1% भी बोर नहीं करती है, और हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो चीज़ पसंद है, राज वर्मा जी ने उसका बहुत ध्यान दिया है। राज वर्मा जी ने कमाल की एक्टिंग की है, इस फिल्म की अभिनेत्री काजल सोनबेर जी बहुत शानदार कमाल की दिखी हैं। फिल्म में हर कलाकार ने बहुमुखी कला का परिचय दिया है, और फिल्म हर तरीके से ममता की कसौटी पर खरी उतरेगी। हमेशा छत्तीसगढ़ी जनता का अपार स्नेह और प्यार छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मिलता है, मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म जनता को ध्यान में रख के बनाई गई है, और हमारी छत्तीसगढ़ी ऑडियंस अच्छी फिल्म को हमेशा हाथों हाथ अपने सराकों पर रखती है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म में भी अपार स्नेह और प्यार मिलेगा समस्त लोगों। फिल्म की दूल्हे राजा की एक्टिंग कैसी लगी? मैम, राज वर्मा जी पुराने एक्टर हैं, कला संस्कृति से जुड़े हैं, उनके रोम रोम में कला संस्कृति है, और राज वर्मा जी ने बहुत बाखूबी से अपना रोल और अभिनय दिखाया है। जनता को ये रोल बहुत पसंद आएगा, और उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की है।